मीडिया भी है, हमारी अदालत भी शामिल है, और सबसे बड़े 51% के होल्डर्स आप सब हैं, क्योंकि स्टेट उनकी सिर्फ नहीं है, दे आर ऑल एक्चुअली एम्प्लॉयड बाय यू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हम उन नौजवानों को साथ रखना चाह रहे हैं, और हम इसी मीडिया में से, इन्हीं लोगों में से, इसी एजुकेशन वाले लोगों में से, इसी सिविक सोसाइटी में से, इसी जो है ना वो असेंबली में से, और इसी जो है ना वो अदालतों में से हम लोगों को आगे लेके आना चाह रहे हैं, जो आए और आके मुस्तकबल का पाकिस्तान बनाने में उसकी बुनियादें सीधी करें और उसकी सिमत सही करें, पाकिस्तान को कायद अजम की तरह सर फखर से, हर एक आदमी को सर फखर से बुलंद करके आगे आना चाहिए। हम जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो क्या सलूक हो रहा है, क्यों होता है? अभी हमारे एक साथी ने कहा, कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना एक दिन भी जेल में नहीं गए, ही फॉलोड द रूल ऑफ लॉ। हम कितने हैं जो अपने बच्चों को, दोस्तों को जो है ना तरगीब देते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करो? हमें ये अपनी एजुकेशन में डालना चाहिए, हमारी तरबियत में डालना चाहिए। अभी मैं सेमिनार की तरफ आता हूँ, और थोड़ी सी तजावीज़ मेरी है जो इन सब साथियों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा रोड ऑफ मतलब के रूल ऑफ एथिक्स जो है ना वो हमारे पास है, जिसको हम नहीं कर सकते, क्या हम हर चैनल को कह नहीं सकते कि आप अपना जो है ना वो रूल ऑफ एथिक्स बनाएं? कौन से चैनल्स हैं, कौन से ग्रुप्स हैं जिनका अपना इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट है? क्या हमारे सहाफी बिरादरान जो है ना वो अपने ही चैनल में, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में अपना ही एक रूल ऑफ एथिक्स जो है ना वो लेके नहीं आ सकते? और मेरी वही ख्वाहिश है और दरख्वास्त भी है हमारे जस्टिस साहब से कि आप इसको काइंडली फैसिलिटेट करें। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसमें मीडिएटर का किरदार भी अदा करेगी, और जहां पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी मीटिंग को फैसिलिटेट भी करेगी। आप चैनल बाय चैनल चलें, ग्रुप बाय ग्रुप चलें, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, और कोशिश करेंगे कि अगर किसी का अच्छा है बुरा है, लेकिन पहला जो है ना वो उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट आ जाए, उसके बाद उनके अपने ऑफिसेस में उस कोड ऑफ कंडक्ट को पब्लिकली डिक्लेयर करने की बात ज़रूर हो, ताकि जब भी उनका कोई सहाफ़ी, उनका एम्प्लाई उस जगह पे आए तो उनकी अपनी विजन से, उनकी अपनी चीज़ से जो है ना वो आगे आए, जो भी है उससे जो है ना मुतारफ हो और उसके हिसाब से काम करे। उन्हीं के अपने ग्रुप में बेहतरीन सहाफ़ी जिसने ये काम किया, जिसने रूल्स को फॉलो किया, और उनके लिए कैरेट और स्टिक की पॉलिसी भी उसी रूल का हिस्सा होनी चाहिए। और ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है। उसके साथ साथ क्योंकि जो है ना वो गवर्नमेंट का भी काफ़ी कंट्रोल भी होता है, हमारे साथियों ने शिकायत की कि ये ग्रुप सिर्फ मालकान के हैं, सहाफियों के नहीं हैं। कहीं पे आप कोई मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं कि सहाफियों को भी उसमें पार्टनरशिप मिल जाए? अगर कुछ और नहीं तो एक इश्तिहार की 2.5% ज़कात की रकम जो है ना वो नौजवान सहाफियों की ट्रेनिंग पे खर्च की जा सके। छोटी सी तजवीज़ है, जितने इश्तिहार जिस ग्रुप को आते हैं उस ग्रुप में अगर 2.5% उस इश्तिहार की रकम जो है वो सहाफ़ियों की, उसके एम्प्लाइज की तरबियत पे खर्च हो,
तो ये तो मेरे ख्याल में एक एहसास की बात होगी जो आगे बढ़े। अगर इस पे भी आते हैं तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 5,000 सहाफ़ी तुलबा हैं, आपने जो है ना वो वहीद हुसैन को देखा, आपने जो है ना वो साथ में हमारे सादिया को देखा, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ जो है ना वो कुछ न कुछ कोर्सेज किए हैं। आप आइए, आप इल्म बढ़ाने में हमारी मदद करें, हम आपकी ट्रेनिंग में इंशाल्लाह मदद करेंगे। हमारा मेन मैनिफेस्टो है कि इल्म सब तक पहुंचे, और हम उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप आइए, आप इस पे प्रोग्राम्स रखें, यहाँ रखें, नेशन वाइड रखें, उस इल्म की तरवीज में हमारी मदद करें। मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 23 मिलियन रुपीस रखे हैं अर्न टू लर्न प्रोग्राम में। सहाफ़ी हजरात जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ चलें, और माशाल्लाह एक बहुत बड़ा उनके पास प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे पास एफएम रेडियो भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक नई टीवी स्टेशन की भी जो है ना वो डेवलपमेंट का काम शुरू है, और इंशाल्लाह वो चैनल भी हमारे पास आ जाएगा, और आपके लिए पाकिस्तान की लार्जेस्ट प्रिंटिंग प्रेस भी हमारे पास अवेलेबल है। आइए, सिर्फ आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को आगे बढ़ाएं, अर्न टू लर्न प्रोग्राम में आइए, माशरे की इस्लाह कीजिए, माशरे में इल्म को बढ़ाएं, माशरे में बैठ के आगे बढ़ें। लेट अस वर्क एज एम्बेसडर्स ऑफ मीडिया फॉर द सोसाइटी। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करें, प्लीज़ वर्क फॉर द वर्ल्ड। अभी आपको जो है ना जिक्र किया कि अगर आप टेक्सटाइल की खबरें जो है ना इंडिया की छापें और पॉजिटिव अंदाज में छापें तो शायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की भी बेहतर हो जाए। पब्लिक एट लार्ज हमारी जो है ना वो मुंतज़र है, और आपकी मुंतज़र है। आप आगे आइए, इंशाल्लाह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटेट भी करेगी, और अगर आज के दिन ही आप मीडिया फॉर द सोसाइटी की बुनियाद रखेंगे तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपके साथ हर मुमकिन तआवुन करेगी। एंड वी विल ट्राई एक्चुअली कि बच्चे को एजुकेशन देते आए ताकि वो एक अच्छा सहाफ़ी भी बने, एक अच्छा लीडर भी बने, एक अच्छा जस्टिस भी बने, और एक अच्छा एग्जीक्यूटिव भी बने। आइए हम सब मिल के काम करें, और कायदे आज़म की विजन के साथ इक्वल एक्सेस दे सबको, और अपने अंदर मुस्तकबल के और कायद पैदा करें जो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को इस ऐसे निज़ाम से निजात दिलाएं जिसका जिक्र हमारे सीनियर सहाफ़ी ने किया है, जो मुख्तलिफ मुल्कों की मीडिया की हालत सुन के आपके जो है ना जहन में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच, सलाम अलैकुम। थैंक यू सर। डियर ऑडियंस, लेट मी टेल यू दैट व्हाइल सेलिब्रेटिंग कायद्स बर्थडे, द अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हैज़ आल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ बी फिटिंग फोटो एग्जीबिशन दैट यू कैन सी आउटसाइड। द क्रेडिट ऑफ अरेंजिंग सच ए फैंटास्टिक एग्जीबिशन goes to Dr. Amanullah Mehman. He has done a great job. We are really thankful to him. Ladies and gentlemen, it is indeed a privilege and pride that we have with us Justice Raja Muhammad Shafkat Khan Abbasi, Chairman, Press Council of Pakistan, the guest of honor on today's commemoration. I would now invite our distinguished guest of honor to please come forward on the rostrum and share his views and expression. Please welcome. Hudur Rasooli Allah Rasoolil Kareem. Amma baad, auzu billahi minash shaitaanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mohsen Raza Sahab, Wahid Sahab, Dr. Saraj Sahab, Wardi Vice Chancellor Sahab, Idris Bakhtiar Sahab, Mohsen Kamal Sahiba,
Sarabini Rao and ladies and gentlemen. It is a great privilege and pleasure for me to be part of this gathering. Straight away, I express my gratitude to the Allama Iqbal University, Dr. Siraj, the Vice Chancellor, who have organized this seminar on a relevant topic. What have been said by Sarabini Rao, by Mohsen Sahab, this Bakhtiar Sahab, I straight away endorse all those things in the recommendation, the opinions. Of course, there are certain lapses which have been pointed out by the people who are from the media, who are the journalists, where media has crossed the limits, where the media has played some negative role in highlighting the things which are against the national security, things like that. But despite this, all these lapses or all these shortcomings, I think if we compare Pakistani media with the other media in South Asia, if we compare with Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, or India, we can proud on our media. The media played a great role for the last 40, 50 years and is playing a due role in informing the society, in reforming the society, in entertaining the society, in strengthening the democracy, in strengthening the values. Just last year, we were somewhere, the Indian Justice Markande Kaju, the former judge of the Supreme Court, who is the chairman of the Press Council of India, is very vocal. He expressed a lot of things in India. He has never praised Indian press. He always says it is Indian press just dividing the nation, just glamouring ke piche bhaag raha hai, actress ke shaadiyan ho rahi hain un pe bhaag raha hai, cricket pe kar raha hai, film pe kar raha hai. He was saying why Pakistani media and Pakistani press is much better and much mature than Indian press. What is the reason? I said because the Pakistani journalists, Pakistani editors, they played a great role for the last 30, 40 years. Whenever there was any threat to the constitution, whenever there is a threat to the democracy, to the freedom of press, freedom of expression, our journalists, especially the working journalists, they played a great role. Because of that role, aaj aapke India mein shayad ki ek dafa Indira Gandhi ke daur mein emergency lagi, isliye hamare haan, the people who are the custodian of the pen, they know hum is pen ko kis tarah istemal kar rahe hain. Is wajah se, aur hum samajhte hain ki aaj jab media, when we open the constitution, there are three things. Jab trichotomy of powers mein role of the executive has been defined, role of the judiciary has been defined, role of the parliament has been defined. There is nothing like fourth institution. Why Pakistani press, we say, in everywhere in the world, it's become the fourth pillar of the state? Yes. Because of their struggle, because of their role, because of the due role which they have played, which are playing in, uski wajah se aaj wo fourth pillar ka is pe hame tamam lapses ke bawajood bhi, tamam shortcomings ke bawajood bhi hame shayad Pakistani press pe fakhr karna chahiye. Especially the print media. Print media ka kirdaar, shayad usme wo breaking news ka concept na hone ki wajah se, ek editor office hai, abhi cheeze chhan ke agle din samne aati hain. रहेगी जो मैडम ने बात की सब ने कही थी हर जगह हम और ये इस बात पे भी खुशी है कि व्हेन आई टुक अ चार्ज इन प्रेस काउंसिल दो बातें थी. वन ऑफ द माय अर्लियर चेयरमैन ही वर्क फॉर 3-4 मंथ ही रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट सर इसलिए कि पावर्स नहीं है कोई जायज आदमी हो फांसी ना लगा सके किसी को निकेल ना डाल सके ये क्या बात है. ही रिजाइन आफ्टर 3-4 मंथ. उसके बाद और हमारे साथी आए जो मुझसे बहुत लायक थे. I had a lot of respect for Justice Javed Iqbal, Justice Yusuf. Shayad wo mushkil halaat the. There was turbulence in the country. Things were not clear. There was emergency, martial law, jiski wajah se press council ko jo karna chahiye tha, wo nahi kar sake. Lekin is pe bhi khushi ki baat nahi ki India mein press council, press freedom day banate 16th of November. First session of the Press Council of India was summoned in 65 us din ke hawale se. Bangladesh hamare sath alag hua, duniya ki baki jagah, isliye ki lawyers mein usme raha hamare bar councils ke forum kitne effective hai nahi, lekin lawyers ki nuisance, uske misconduct ke mamlaat
ना शायद अदलिया देख सके, ना सरकार देख सके, ना भी और एजेंसी, लेकिन बार कौंसिल में खुद रहा पाकिस्तान बार कौंसिल में, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वहाँ भी पंजाब में, तो वो बार कौंसल्स का एक रोल किसी न किसी हद तक है। मीडिया को खुद आज खुद डिबेट करनी चाहिए, अपने आप से खुद मुकालमा करना चाहिए कि हम कितना लोगों की बात करते हैं, कितने लोगों की मसाइल देते हैं। अगर लाहौर कराची और फैसलाबाद, लाहौर कराची और कोयटा या पेशावर में बातें हो जाए तो काफ़ी नहीं। पाकिस्तान इज़ अ पाकिस्तान, बहुत बड़ा पाकिस्तान है। बाकी पाकिस्तान को हम कितना कवरेज देते हैं, हमारे रीजन्स को, हमारे लोकल्स को, लोगों के मसाइल के हवाले से, उनकी मुश्किलात के हवाले से। और 25-30 लोग मोहसिन साहब से नाराज़ हूँ कि वो लोग बैठे होते हैं, वही चेहरे जो पूरे तमाम TV चैनल्स पर सियासत पर बात हो, मीशत की बात हो, तजिए की बात हो, तजिए बहुत अच्छी काम हो रही है यूनिवर्सिटीज में। मेरा पिछले 1-1.5 साल से बहुत इंटरेक्शन रहा एकेडमिया से, बहुत अच्छी अच्छी बातें यूनिवर्सिटी में हुई। हम कम देखते हैं कि तालीम को हम कितना कवरेज देते हैं, हम कम देखते हैं कि कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हजरात ने जो रिसर्च की है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हम उसको हाईलाइट करें। सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ पर सियासत, हर चीज़ को सियासत के हवाले से मीडिया को बाकी मामलों में भी, बाकी चीज़ों को भी करना चाहिए। लेकिन रह गई वो बात दूसरी के जिसने कहा, जिस सब ने बहुत सच्ची बात है कि मुझे मज़ा भी आया उनको सुनते हुए भी, देखते हुए भी, कि उन्होंने बहुत सच्ची बातें कही हैं। और हम सारे कहें कि खाली जर्नलिस्ट, भाई जर्नलिस्ट तो आखिर में आता है, उससे पहले और बहुत लोग आते हैं। जिस तरह कहते हैं कि हमारे यहाँ या स्टेट मीडिया या सेठ मीडिया, तो स्टेट मीडिया के अपने मामलात, उनके अपने मसाइल, उनके अपने प्रोपेगेंडे के हवाले से। लेकिन बहरहाल वहाँ स्टेट मीडिया में शायद एथिकल वायलेशन कम होती है, वहाँ एथिकल प्रोपेगेंडा ज़रूर होता है। इसलिए हम समझते हैं शायद जी साहब जर्नलिस्ट का बहुत कम रोल आ जाता है। उससे पहले जो पॉलिसी साज लोग बैठे हैं, जो पॉलिसी में बैठे होते हैं, जिसमें मालकान भी हैं, एडिटर्स का रोल जो बहुत कम होता जा रहा है। एडिटर्स कितने ज़रूरी हैं, अगर किसी प्रोफेशनल एडिटर्स तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, अखबारात में, मीडिया में अगर प्रोफेशनल एडिटर्स हो, तो मैं समझता हूँ कि शायद एथिकल वायलेशन, ये जो बातें आती हैं शायद प्रेस काउंसिल की या पैमरा की या किसी और ओम्बड्समैन की या किसी और की, शायद ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि वो एडिटर्स जो है वो बेस्ट जज होगा किस चीज़ को फिल्टर करें और किस चीज़ को आगे जाने दें। हम समझते हैं कि आज भी वक्त की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बात हो कि भाई हर अखबार, हर मीडिया में प्रोफेशनल एडिटर जिन लोगों का काम है उसको किया जाना चाहिए। और इस हवाले से कि सबको हैप्पी बर्थडे कायद आजम का, 139th हम बर्थडे आज मना रहे हैं, कल वो दिन है। यकीनन उन्होंने ठीक कहा कि कायद आजम वाज़ अ स्टेट लीडर, ही बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, ही बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, ही बिलीव इन लॉ। उसकी सारी ज़िंदगी लॉ के ऊपर चलते हुए गुजारी। तो हमारे लिए मशाल राह भी यही है कि हम आइन के साथ मोहब्बत करें। बहुत ठीक बात की हमने, तो एक ज़माने में कायद आजम के भी और अल्लामा इकबाल के वो अफकार और वो शेर और वो चीज़ें जहाँ से जमहूरियत निकलती हो, जहाँ से मशावरत की बात हो, वो हम सेंसर कर देते थे। लेकिन आज इस वक्त जब जिस तरह वहीद साहब ने बहुत अच्छी बात है कि सेट एवरी थिंग, वट आर द चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग, वट आर द चैलेंजेस पाकिस्तान इज़ फेसिंग, द एटमोस्ट चैलेंज ये जो आपस में दस्तो गरेबान हैं। कायद आजम इस तरह का पाकिस्तान नहीं चाहते थे, जहाँ मसलक की बुनियाद पे हम अपने अपने